हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। सिंथेसिस वाया इनोलेट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्टोमेथ्रिन कंपाउंड के बारे में। एक्टोमेथ्रिन कंपाउंड्स, एक्टोमेथ्रिन कंपाउंड्स, एक्टोमेथ्रिन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो हैं, एक है मेलोनिक एस्टर, दूसरा है आपका एस्टोएस्टिक एस्टर। इसी पे पूरा टॉपिक हमारा डिपेंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट इज एस्टोएस्टिक एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोएस्टिक एस्टर, एस्टोएस्टिक एस्टर। और इस एस्टोएस्टिक एस्टर में हम लोग एस्टोएस्टिक एस्टर को हम लोग बोलते हैं AAE, या इसी को बोलते हैं एथिल एसिटो एसिटेट, एसिटो एसिटेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड EAA। पहला कंपाउंड ये है। दूसरा कंपाउंड हम लोग बात करेंगे आज के ही दिन में, CH3 C2H5 O C double bond O CH2 C double bond O O C2H5, दैट इज मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर, ये एक्टोमेथ्रिन कंपाउंड से हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। इस एक्टोमेथ्रिन कंपाउंड से हम लोग बहुत सारे एसिड का सिंथेसिस करेंगे। हम लोग सिंथेटिक एप्लीकेशन में एसिड का सिंथेसिस सीखेंगे, फिर इसके बाद कीटोन का सिंथेसिस सीखेंगे। आइए देखें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको एक्टोमेथ्रिन कंपाउंड क्यों कहते हैं। एस्टोएस्टिक एस्टर को CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये एक्टोमेथिलीन कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये कार्बन जो है एक्टोमेथिलीन है। इस कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टोमेथिलीन, दिस इज द एक्टोमेथिलीन, ये एक्टोमेथाइलीन है। क्यों एक्टोमेथिलीन है ये, क्योंकि इससे दो माइनस आई कार्जिंग ग्रुप लगे हैं। क्या लगा, दो माइनस आई कार्जिंग ग्रुप लगे हैं। एक माइनस आई कार्जिंग ग्रुप ये, दिस इज द माइनस आई कार्जिंग ग्रुप, एंड इट इज ऑल्सो माइनस आई कार्जिंग ग्रुप। और ये माइनस आई कार्जिंग ग्रुप होने के कारण क्या करते हैं, CH2 के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा कर देते हैं, जिनके कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट के कारण ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है फॉर द केमिकल रिएक्शन। इसलिए इसको हम लोग एक्टोमेथिलीन बोलते हैं। और साथ साथ ये यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों, आइए मैं आपको बताऊं। जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी तो यहाँ के एक हाइड्रोजन, सपोज करो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को लिख दिया, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड सेव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ का कार्बन एसिडिक नेचर का हो गया है, इसलिए इस कंपाउंड को एक्टोमेथिलीन कंपाउंड कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्टोमेथिलीन कंपाउंड के सीधा सिंथेटिक एप्लीकेशंस के बारे में। सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एक्टोमेथिलीन कंपाउंड, दैट इज एस्टोएस्टिक एस्टर के बारे में। सबसे पहला हम लोग सिंथेटिक एप्लीकेशंस में बात करेंगे एसिडिक सिंथेटिक एप्लीकेशन। सिंथेटिक एप्लीकेशन किसका, सिंथेटिक एप्लीकेशन एस्टोएस्टिक एस्टर का। सिंथेटिक एप्लीकेशंस में पहला सिंथेटिक एप्लीकेशन में लेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, अर्थात हम लोग एस्टोएस्टिक एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि जब एस्टोएस्टिक एस्टर को हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O में इसको H2O में डिजॉल्व किया जाता है,
तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, अगर एसिड बन रहा है तो उसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, अगर हाइड्रोलिसिस कराने के बाद प्रोडक्ट हमारा कीटोन्स बन रहा है तो उसको हम लोग कीटोनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हम लोग दो लेक्चर इसमें स्टडी करेंगे, पहला एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दूसरा कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम लोग मोनोटाइप के एसिड बनाएंगे, डाईटाइप के एसिड बनाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड मोनो एसिड बनाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसको आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, वॉच करते रहिए। जैसे सपोज करो ये कंपाउंड है CH3C(O), CH2C(O), OC2H5। एक्टोमेथिलीन कंपाउंड को मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ इसका बनने वाला प्रोडक्ट एसिड होगा। तो कहाँ कहाँ हाइड्रोलिसिस होगा, HOH और फिर HOH, ये हाइड्रोलिसिस होगा। तो क्या बनेगा, H देखो OH, CH3COOH एसिटिक एसिड बन गया, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस ये H इससे लग जाएगा, CH3COOH प्लस ये इससे लग जाएगा प्लस C2H5OH, ये आपके दो एसिटिक एसिड बन गया, एक एथेनॉल बन गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा एस्टोएस्टिक एस्टर है, दिस इज द एस्टोएस्टिक एस्टर, इस एस्टोएस्टिक एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दो एसिड बनता है। चलो अगर सपोज करो हमको इसमें जो है, ये तो मैंने आपको एसिटिक एसिड के बारे में बताया, फर्स्ट इज एसिटिक एसिड। दूसरा अगर हम लोग बात करें प्रोपेनोइक एसिड के बारे में, आइए देखें प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं। प्रोपेनोइक एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर आप देखिए, CH3CH2 और ये COOH, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3 कार्बन। एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि ये वाला इतना पार्ट जो है हमको एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलता है और ये पार्ट हमको उसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम लोग जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसको हम लोग आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज करो ये पार्ट जोड़ना है, मेथिल आयोडाइड बना लिए, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। फिर इसके बाद एस्टोएस्टिक एस्टर को सबसे पहले साल्ट बना लेते हैं, साल्ट के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 है, C(O) है, CHH है, C(O) है, OC2H5 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं, C2H5O-Na+ के साथ ट्रीट कर देंगे। तो ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे H प्लस क्या निकल जाएगा, C2H5OH, और ये बन जाएगा CH3C(O), CH-Na+2, और ये हो जाएगा C(O)OC2H5। फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा ये पार्ट हमको जोड़ना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी पार्ट जोड़ना होगा, एस्टोएस्टिक एस्टर में हम कोई पार्ट जोड़ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करके उसको साल्ट बना देंगे, और साल्ट बना देंगे जो पार्ट जोड़ना होगा उस पर हम लोग अभिक्रिया करा देंगे। हमको क्या जोड़ना है, CH3I जोड़ना है। अब यहाँ से क्या निकाल दूंगा मैं, NaI निकाल दिया, NaI निकल गया, और ये लग जाएगा क्या, CH3C(O), CH3 और C(O), OC2H5, ये बन गया। अब इसका हम लोग क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ध्यान रखिएगा HOH, ये एच जो है इससे लग जाएगा, आपको क्या मिला, ये मिला CH3COOH प्लस ये मिल जाएगा CH3CH2 और COOH प्लस C2H5OH, ये आपका बन गया प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से हम किसी भी एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे, ठीक है। आइए देखें, नेक्स्ट है सपोज करो आपको बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड,
ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप ब्यूटेनोइक एसिड का स्केल्टन बना लीजिए। क्या है ब्यूटेनोइक एसिड? CH3CH2CH2COOH, ये है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। किससे बनाना है? एस्टोएस्टिक एस्टर से, CH3। आपको मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, इतना पार्ट हमको एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलेगा। हमको ये वाला पार्ट जोड़ना है, ये वाला पार्ट जोगना है। जिस पार्ट को जोगना होता है उसको हम लोग आयोडाइड बना देते हैं। इस पार्ट को आयोडाइड बना दी, CH3CH2I। अब ये पार्ट हमको जोगना है, तो कैसे जोगेंगे आइए देखें। क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH, C डबल बॉन्ड O, O C2H5। सबसे पहले इसको सोडियम मेथॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, C2H5O-Na+ के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ से ये वाला बॉन्ड डीलोकलाइज करके इस पे आएगा, C2H5OH के रूप में निकल जाएगा, Na पॉजिटिव इससे लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH-Na+ C डबल बॉन्ड O, O C2H5। कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत आपको एग्जांपल में लेकर समझाऊंगा। फिर आपको क्या जोड़ना है? CH3CH2I जोड़ना है। क्या करेंगे? यहाँ से NaI को निकालेंगे, NaI निकलेगा और बन क्या जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH3, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब ये हम लोग क्या करा देंगे? SD हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अरे भाई, SD हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं SD हाइड्रोलिसिस। किस किस सेंटर पे होगा? मैंने आपको बताया HOH जो निकल रहा है उसको आप निकाल दीजिए। क्या निकला? CH3COOH+ CH3CH2CH2, ये H इससे लग जाएगा, CH3CH2CH2COOH और +C2H5OH। ये आपका बन गया क्या? ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपको बनाना है, सपोज करो थर्ड इज पेंटेनोइक एसिड। ध्यान देते रहिए, सबसे पहले पेंटेनोइक एसिड का फार्मूला बनाइए, CH3CH2CH2CH2COOH, दिस इज द पेंटेनोइक एसिड। आपको ये पार्ट तो एस्टोएस्टिक एस्टर से मिल जाएगा। ये पार्ट आपको जोड़ना होगा, इसका आयोडाइड आप बना लीजिए, CH3CH2CH2I बना लो, ताकि आपको ध्यान रखे ये पार्ट हमको जोड़ना है। कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O CH H C डबल बॉन्ड O O C2H5। इसको सबसे पहले सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे, क्योंकि हमको कार्बन की लेंथ को बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे निगेटिव हो जाएगा, H प्लस निकलेगा, इससे संयुक्त होकर क्या निकाल दिया? C2H5OH। और ये Na प्लस इससे जुड़ जाएगा, क्या बन गया? Na प्लस उससे जुड़ जाएगा, ये बना आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH-Na+ और ये C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब आपको सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद जो साल्ट बना है उसमें हम लोग ये पार्ट जोड़ेंगे। क्या है? CH3CH2CH2I है। अब इसमें हम लोग ये पार्ट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखें, NaI निकलेगा। यहाँ से मैं रिएक्शन को लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH CH2 और ये CH2CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब ये जो है एसडिक हाइड्रोलिसिस करेगा। एसडिक हाइड्रोलिसिस किस किस सेंटर पे होता है आपको पता है? HOH यहाँ पे हो जाएगा, HOH यहाँ पे हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ CH3CH2CH2CH2, ये H इससे लग जाएगा, CH3
CH2, CH3, CH2, 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 दो दो चार, और फिर क्या हो जाएगा COOH प्लस C2H5OH, ये आपका बन गया पेंटेनोइक एसिड। ओके, इसी तरीके से आप हेक्सेनोइक एसिड बना सकते हैं, हेप्टेनोइक एसिड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। अब हम लोग सब्स्टिट्यूटेड एसिड के बारे में बात करेंगे। आइए देखें सब्स्टिट्यूटेड एसिड। सब्स्टिट्यूटेड एसिड अगर आपको सब्स्टिट्यूटेड एसिड बनाना है, जैसे सपोज करो आपको बनाना है 2-methyl butanoic acid बनाना है, तो जिस एसिड का प्रिपरेशन करना है उस एसिड को सबसे पहले आप क्या कर देंगे, उसका स्ट्रक्चर बना देंगे। ब्यूट मीन्स कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, 4। 2 पे क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, हाइड्रोजन के द्वारा वैलेंसी को कंप्लीट करा दो। ये हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपको पता है इतना पार्ट जो है हमको तो मिल जाएगा, कहाँ से इतना पार्ट मिल जाएगा, एस्टोस्टिक एस्टर से। फिर ये पार्ट हमको जोड़ना है और ये पार्ट जोड़ना है सब्स्टिट्यूटेड में, ये भी पार्ट जोड़ना है, ये भी पार्ट। ये हमारा पार्ट एक्टिव मेथिलीन वाला पार्ट है, एक्टिव मेथिलीन वाला कार्बन है किसका, एक्टिव मेथिलीन वाला कार्बन है किसका, एस्टोस्टिक एस्टर का। तो इस एक्टिव मेथिलीन हमको दो पार्ट जोड़ना है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पार्ट को देखते हैं तो CH3CH2 इसको आयोडाइड बना देंगे, ये पार्ट हमको जोड़ना है। इसको देखते हैं तो CH3I इसको बना देंगे। तो अगर हमको दो कंपाउंड जोड़ना है, दो कार्बन की संख्या को जोड़ना है, तो हमको उस कंपाउंड को दो बार सोडियम साल्ट के साथ ट्रीट करके तभी ये प्रोसेस संभव है। हम लोग क्या करेंगे, CH3C11O CHH C11O OC2H5, इसको सबसे पहले सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर दीजिए, C2H5O-Na+। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, C2H5OH, Na+ जाकर इस पे सब्स्टिट्यूट हुआ, CH3C OCH निगेटिव, Na+ और C OOC2H5। ओके, अब इसी पे आपको ऐड करना है, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, इस पे हम लोग सपोज करो ये वाला पार्ट ऐड कर रहे हैं CH3CH2I, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे NaI, ये NaI निकल गया, और फिर ये CH3CH2 इस पे सब्स्टिट्यूट हो गया, बना क्या, CH3CH2 ये क्या बना, CH3C11O CH CH2 CH3 CH2 CH3, और ये हो जाएगा C11O OC2H5। ओके, अब चूंकि ये भी पार्ट जोड़ना है तो इसको पुनः हम लोग सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, कितनी बार ट्रीट कर सकते हैं, जितनी बार एक्टिव मिथिलीन के पास हाइड्रोजन है, अभी एक हाइड्रोजन और है तो इस हाइड्रोजन को मैंने बाहर कर लिया, अभी इसको भी ट्रीट कर सकते हैं C2H5O-Na+ के साथ। तो देखो ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, तो ये क्या निकल गया, C2H5OH, Na+ जाकर इसमें सब्स्टिट्यूट हो गया, बनेगा क्या, CH3C11O और यहाँ पे CH2CH3 और ये निगेटिव Na+ और ये C11O OC2H5। इसको ट्रीट करना है किसके साथ, इस मेथिल आयोडाइड के साथ CH3I। क्या निकालेंगे यहाँ से, NaI निकाल दिए,
और ये बन जाएगा क्या सी एस थ्री सी डबल वन ओ सी एच टू सी एच थ्री और ये हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल वन ओ ओ सी टू एच फाइव। अब ये प्रोसेस अंडरगोइंग टू द एसडी हाइड्रोलिसिस करेगा। एसडी हाइड्रोलिसिस किस किस सेंटर पे होगा आपको पता है, यहाँ पे होगा एसडी हाइड्रोलिसिस और यहाँ पर होगा एसडी हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ ओ एच प्लस ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से नोट करना चालू करूँ तो सी एस थ्री सी एच टू सी एच सी एस थ्री और ये हो जाएगा सी ओ एच और प्लस सी टू एच फाइव ओ एच। अगर मैं नंबरिंग करके चेक करूँ क्या मेरा वही प्रोडक्ट है, वन टू थ्री फोर टू मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था। अगर मैं दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करूँ, जैसे सपोज करो आपको लिखना है टू थ्री डाइमेथिल टू थ्री डाइमेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, अगर आपको बनाना है तो कैसे आप बनाओगे? स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे तो बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको स्ट्रक्चर समझना होगा अर्थात जो पूछा जाए उसका आईयूपीएसी नेम पहले बना लो। जैसे अगर आपको ये बनाना है इसका आईयूपीएसी नेम बना लो, कितने कार्बन है, ब्यूट मीन्स चार कार्बन है, चार कार्बन को ऐसे लिख दो वन टू थ्री फोर, एक कार्बन को ओइक एसिड में चेंज कर लो, नंबरिंग कर लो जहाँ से चेंज कर रहे हो वन टू थ्री फोर, टू पे क्या लगा है मेथिल लगा है, थ्री पे क्या लगा है मेथिल लगा है, बैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करा दो, यही आपको बनाना है टू थ्री डाइमेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो बना सकते हो बिल्कुल बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। देखिए कैसे बनेगा, देखिए ये कंपाउंड आपको बनाना है। आपको मैं सबसे पहले ये दिखा दूं कि हमको क्या मिल रहा है, ये हमको इतना जो है एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलेगा, फिर हमको जोड़ना क्या है, ये वाला पार्ट जोड़ना है, ये वाला पार्ट जोड़ना है, जिसको जोड़ना है उसको आयोडाइड बना दीजिए, मीन्स सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री इसका आयोडाइड बना दिए और इसका आयोडाइड सी एस थ्री फाइव, ये दो पार्ट हमको जोड़ना है, जोड़ सकते हो। आइए देखें सी एस थ्री सी डबल वन ओ सी एच एच सी डबल वन ओ ओ सी टू एच फाइव, सबसे पहले इसको सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर दो सी टू एच फाइव ओ माइनस एन ए प्लस के साथ, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे निगेटिव एच प्लस पास टू, पास टू जो है सी टू एच फाइव ओ एच के रूप में निकल जाएगा। एन ए पास टू जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल वन ओ सी एच निगेटिव एन ए पास टू और ये सी डबल वन ओ ओ सी टू एच फाइव। इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेक्स्ट आपको क्या जोड़ना है, ये वाला पार्ट जोड़ना है, तो सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री और ये आई, क्या करेंगे एन ए और आई ये आपस में जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा एन ए आई निकाल देंगे, ये बन जाएगा आपका सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच सी एस थ्री और ये सी एस थ्री और फिर क्या हो जाएगा सी डबल वन ओ ओ सी टू एच फाइव, जोड़ने के बाद ये होगा। फिर इसको हम लोग पुनः सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करना है चूँकि इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे सी टू एच फाइव ओ माइनस एन ए प्लस के साथ ट्रीट कर देंगे। आपको पता है ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, इस पे निगेटिव हो जाएगा एच प्लस, इसके साथ संयुक्त होकर क्या निकाल देगा सी टू एच फाइव ओ एच, एन ए प्लस उससे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल वन ओ सी निगेटिव एन ए पॉस टू और ये हो जाएगा सी एच टू, सॉरी ये है सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ सी टू एच फाइव। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसके साथ ट्रीट करेंगे मेथिल आयोडाइड के साथ ट्रीट की, तो मेथिल आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या निकालेंगे एन ए आई निकाल देंगे, क्या बन जाएगा भाई
ये बन जाएगा CH3C11O और ये CH3CH CH3C11O OC2H5। अब इसको आप लोग क्या करा दोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस किस किस सेंटर पे होगा आपको पता है, HOH ये निकलेगा, HOH ये निकलेगा, बाकी जो जिसके साथ जुगला है उसको आप जोड़ दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ से लिखना चालू करूँ तो CH3 CH CH3 CH CH3 और ये COOH CH3 CH CH3 और ये H इससे लग जाएगा CH CH3 CH CH3 COOH। ये आपका फाइनल कंपाउंड बन गया जो बनाना था, प्लस C2H5OH और प्लस एसिटिक एसिड। ठीक, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड डाई एसिड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड सिंथेसिस ऑफ, हम लोग बात करेंगे डाई एसिड्स के बारे में। डाई एसिड में सपोज करो हम लोग पहली एसिड्स बात करेंगे, पहली एसिड सक्सिनिक एसिड, फर्स्ट एसिड इज सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड क्या फार्मूला है, CH2COOH CH2COOH। आईपीएसी नेम अगर इसका देखें तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेम में नंबरिंग होती है 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4-dioic acid, ब्यूटेन 1,4-dioic acid। अब जरा देखिए, अगर हमको डाई एसिड बनाना है तो हमको दो माइलोनिक एस्टर से काम करना, दो एस्टोएस्टिक एस्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि एक एस्टोएस्टिक एस्टर से इतना पार्ट मिलेगा, दूसरे से इतना, तो दोनों को आपस में ऐड कर देना होगा। आइए देखिए, CH3C11O CH CH C11O OC2H5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, C2H5O-Na+ के साथ। ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, क्या निकल गया, C2H5OH और ये बन जाएगा CH3C(OCH-Na+) और ये C(OOC2H5। इसी तरीके से दूसरा भी सॉल्ट लेते हैं, CH3C(OCH-Na+) सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, C2H5O-Na+, क्या निकल जाएगा, C2H5OH CH3C(OCH-Na+) और ये C11O OC2H5। अब देखो, दोनों को ऐड कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको I2 से रिएक्ट करा देंगे, क्या निकल जाएगा, ये सब I2 मिलकर 2NaI के रूप में निकल जाएंगे, 2NaI के रूप में निकल गया। कंपाउंड क्या बन गया, अब उसको ध्यान दीजिएगा, ये बन गया CH3C11O CH CH C11O CH3 C11O OC2H5 C11O OC2H5। अब आपको पता है इसको हम लोग क्या करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस किस किस सेंटर पे होगा, HOH इस सेंटर पे हो गया, HOH इस सेंटर पे हो गया, HOH इस सेंटर पे, HOH इस सेंटर पे। तो क्या फॉर्म होगा देखें, 2 mole acetic acid निकला CH3COOH प्लस 2 mole C2H5OH
C2H5OH के दो मोल निकलेंगे, प्लस क्या मिला आपका बना सक्सिनिक एसिड CH2COOH प्लस CH2COOH। वेरी सिंपल, नोट कर लें। डाई एसिड में नेक्स्ट है डाई एसिड में आपका है सक्सिनिक एसिड के बाद सपोज करो मुझे बनाना है ग्लुटोरिक एसिड। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्लुटोरिक एसिड? पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लुटोरिक एसिड CH2COOH। ये है आपका ग्लुटोरिक एसिड 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसकी नेमिंग देखी जाए तो ये है आपका पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड ग्लुटोरिक एसिड। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इतना पार्ट हमको जो है एक एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलेगा, इतना पार्ट जो है दूसरे से मिलेगा। तो जब हम दोनों को जोड़ने लगेंगे बीच में हम लोग क्या जोड़ेंगे, CH2I और I, यहाँ पे मैं लिखूँ CH2I और I, तभी दोनों 2N निकल पाएगा। आइए देखें CH3C(O), CHH(C)O, OC2H5 रिएक्ट विद C2H5O-Na+, यहाँ से ये वाला बॉन्ड जाएगा C2H5OH के रूप में, Na+ जाकर इसमें सब्सिट्यूट हो गया CH3C(CH)-Na+ और C(O)-OC2H5। ओके, इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं CH3C(O), CHH(C)O, OC2H5। ये बन जाएगा CH3C(O), CH-Na+, C(O)-OC2H5। इसको मैं नीचे लिख दूँ। अब हमको क्या जोड़ना है, ये वाला पार्ट जोड़ना है I CH2। यहाँ से मैं एक NaI निकाला, यहाँ से मैं एक NaI निकाला, कितने NaI निकल गए, 2 NaI निकल गया, 2 NaI निकल गया। फॉर्म क्या होगा, इसको मैं यहाँ से लिखूँगा CH3C(CH2CH)-C(CH2H5C(CH2H5)। इसको करा देंगे अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कहाँ कहाँ कराएंगे, HOH। क्या बन जाएगा, इधर से 2 मोल निकल जाएंगे एस्टिक एसिड के, ये 2 मोल, तो ये हो जाएगा आपका 2 मोल CH3COOH प्लस 2 मोल C2H5OH प्लस ये बन जाएगा CH2COOH CH2CH2COOH दैट इज ग्लुटोरिक एसिड। नोट कर लें। नेक्स्ट सपोज करो हमको बनाना है ADP एसिड,
एडिपिक एसिड. एडिपिक एसिड मीन्स एडिपिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड CH2COOH. अगर इसका आईपीएसी नेम किया जाए तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. अब आपको पता है ये पार्ट हमको कहाँ से मिलेगा, एक एस्टोस्टिक एस्टर से. ये वाला पार्ट दूसरे एस्टोस्टिक एस्टर से मिलेगा. इतना पार्ट हमको जोड़ना है, अर्थात इस पार्ट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, CH2I और CH2I हमको जोड़ना है. दो एस्टोस्टिक एस्टर लेंगे, दोनों को आपस में जब कंडेंस कराने लगेंगे तो ये पार्ट उसमें जोड़ लेंगे. तो क्या हो जाएगा देखें, CH3C11O CH CH2H5 now treated with C2H5O-Na+2 क्या निकल जाएगा, C2H5OH. ये वाला बॉन्ड इस पर जाएगा और ये बन जाएगा CH3C11O CH-Na+2 C11O OC2H5. ओके, इसी तरीके से दूसरा ले लेंगे CH3C11O CH H C11O OC2H5. ठीक है, ट्रीट करेंगे, कंपाउंड बनेगा CH3C11O CH-Na+2 और C11O OC2H5. यहाँ पे दोनों के बीच में हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, ICH2 ये ऐड करने वाले हैं. तो देखिए क्या निकलेगा, यहाँ से 2NaI, यहाँ से 2NaI, अर्थात ये क्या निकाल दिया, 2NaI निकाल दिया, 2NaI, और ये CH2 इनके बीच में आ गए. तो कंपाउंड क्या हो गया, CH3C11O CH CH2 CH2 CH C11O CH3 C11O OC2H5 और ये हो जाएगा C11O OC2H5. इसको करा देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस. कहाँ कहाँ पे होगा, HOH. ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 मोल CH3COOH के, 2 मोल C2H5OH के, और फिर आपका बन जाएगा CH2CH2COOH दैट इज सक्सिनिक एसिड. ये बन गया सक्सिनिक एसिड. ध्यान रखिएगा, आपको जो सपोज करो बनाना है कंपाउंड बनाना है वन फोर डाई मेथिल सक्सिनिक एसिड. अब हम लोग थोड़ा सा सब्सिट्यूटेड एसिड के बारे में बात करेंगे, डाई एसिड के बारे में. 1,4-dimethyl सक्सिनिक एसिड बनाना है. 1,4 नहीं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2 और 3-dimethyl है. तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अभी आपने देखा CH CO OH CH CO OH, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा है, यही कंपाउंड है आपको बनाना है. नंबरिंग कर दिया जाए तो 1, 2, 3, 4
टू थ्री डाइमेथिल सक्सिनिक एसिड है, या इसका नाम और भी रख सकते हैं टू थ्री डाइमेथिल, टू थ्री डाइमेथिल ब्यूटेन वन फोर डाइओइक एसिड, वन फोर डाइओइक एसिड ये बनाना है। आपको पता है इसमें से ये वाला पार्ट जो है हमको मिलेगा एस्टोएस्टिक एस्टर से, ये भी एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलेगा और ये भी एस्टोएस्टिक एस्टर से मिलेगा। तो फिर ये पार्ट हमको जोड़ना होगा। लेकिन बात ये है कि ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, ये पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हर एस्टोएस्टिक एस्टर से हमको जो है एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया करानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं CH3C11O CHH C11O OC2H5, इसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट कर देंगे तो ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, क्या निकल जाएगा C2H5OH, और ये बन जाएगा CH3C11O CH-Na2Na+2C11O OC2H5। चूँकि एक कंपाउंड में एक मेथिल आयोडाइड को जोड़ना है तो इसमें हम लोग तुरंत मेथिल आयोडाइड के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से क्या निकाल देंगे NaI, और ये क्या बन जाएगा CH3C11O CH CH3C11O OC2H5। क्या इसको ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, चूँकि हमको दोनों को जोड़ना है ना, दोनों को ऐड कराना है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुनः सोडियम साल्ट के साथ ट्रीट करके सोडियम साल्ट के साथ C2H5O- Na+ के साथ ट्रीट करेंगे, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा C2H5OH के रूप में निकल जाएगा, Na+ जाकर उस पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH3C11O C-Na2Na+2 CH3 और C11O OC2H5। अब इसको यहाँ पे छोड़ो, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, चूँकि एक कंपाउंड हमारा प्रिपेयर हो गया, दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3C11O CHH C11O OC2H5। इसको भी सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करना है C2H5O- Na+ के साथ, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा C2H5OH और ये हो जाएगा CH3C11O CH-Na+2 और फिर क्या हो जाएगा C11O OC2H5। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, मेथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, CH3I से अभिक्रिया करा देंगे, क्या निकल जाएंगे यहाँ से NaI निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3C11O CH CH3C11O OC2H5। इसको पुनः जो है C2H5O- Na+ के साथ ट्रीट कर देना होगा, क्योंकि सोडियम साल्ट के साथ ट्रीट करोगे तभी आपस में एडिशन करा सकते हो। तो ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, क्या निकल जाएगा C2H5OH और ये बन जाएगा CH3C11O C C-Na+2 और ये हो जाएगा CH3C11O OC2H5। अब ये दोनों पार्ट हमको जोड़ना है तो हम लोग आइए यहाँ पे जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा CH3C11O C, ऊपर मैं CH3 लिख दे रहा हूँ, Na+2 और यहाँ पे C11O OC2H5। दूसरा मोल मैं लूँगा CH3C11O है, CH3 है, निगेटिव है, Na+2 है और यहाँ पर है C11O OC2H5। इन दोनों की अभिक्रिया कराना है, बीच में I2 ला देते हैं, I2 से क्या हो जाएगा ये 2NaI निकल जाएगा, 2NaI निकल गया। अब ये दोनों आपस में संयुक्त हो जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3C11O CCH3 और ये CH3C11O CH3 और ये हो जाएगा OC11O OC2H5 और ये हो जाएगा C11O OC2H5। अब इसका आप करा दोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप लोग कर लीजिएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे,
जहाँ जहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, जो आपके पास बचेगा वो यही बचेगा फाइनल कंपाउंड। ठीक है, अगला कंपाउंड देखिए, थोड़ा सा बड़ा होने वाला कंपाउंड है, घबराइएगा नहीं। सपोज करो अगर आपको बनाना है 1,2,2,4 डाइमिथिल, सपोज करो 2,3,4 ट्राइमेथिल हेक्स 1,6 डाई ओइक एसिड बनाना है, ये कंपाउंड बनाना है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को राइट करिए, हेक्स में 6 कार्बन है, 1,2,3,4,5,6 हेक्सेन है, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। फिर इसके बाद आप 1 पे जो है OH 1,2,3,4,5,6 और इस पे OH लगा देंगे क्योंकि 1,6 डायोइक एसिड है। फिर 2 पे लगा दीजिए मेथिल और 3 पे मेथिल लगा दीजिए और 4 पे मेथिल लगा दीजिए, सबकी बैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करा दीजिए। ये हमको बनाना है। अब जब ये बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको कट करके देखना होगा, ये पार्ट हमको एक स्टोइस्टिक एस्टर से मिलेगा और ये वाला पार्ट जो है दूसरे स्टोइस्टिक एस्टर से मिलेगा। ओके, हमको क्या जोड़ना है, बीच में ध्यान रखिएगा, बीच में ये पार्ट जोड़ना है और इसमें CH3 जोड़ना है, मतलब इस स्टोइस्टिक एस्टर में हम एक बार CH3 जोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, CH3 जोड़ कर इसको सोडियम साल्ट बनाकर छोड़ देंगे, इसको सोडियम साल्ट बनाकर छोड़े रहेंगे, दोनों को कंडेंस कराते समय ये जोड़ेंगे, अर्थात CH3 यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको जोड़ने के लिए CH3 CHI और CHI CH3 ये पार्ट हमको जोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, CH3 C=O CHH C=O OC2H5, इसको सोडियम मिथॉक्साइड के साथ ट्रीट करें, C2H5 O- Na पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये इस पे जाएगा, क्या निकल गया C2H5OH, Na प्लस जाकर इस पे सब्सिट्यूट हो जाएगा, CH3C=O CH निगेटिव Na पॉजिटिव और फिर इसके बाद C=O CH OC2H5। अब चूंकि Na प्लस है ना, ये CH3I, मुझे दूसरा पार्ट क्या जोड़ना है, CH3I जोड़ देंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे NaI, क्या बन जाएगा CH3C=O CH CH3C=O OC2H5। इसको हम लोग सोडियम साल्ट बनाएंगे, CH3C=O CH CH3C=O OC2H5 सोडियम साल्ट बनाने के लिए C2H5 O- Na+ के साथ पुनः ट्रीट किए, ये वाला बॉन्ड इस पे जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, Na+ जाकर इस पे सब्सिट्यूट हो जाएगा, CH3C=O CH3 इस पे निगेटिव Na पॉजिटिव और C=O OC2H5। अभी मैंने एक ही मॉलिक्यूल लेकर इतना बनाकर छोड़ दिया, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ CH3C=O CHH C=O OC2H5, इसी के साथ ट्रीट किया, ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3C=O और ये हो जाएगा CH- Na+ +2 C=O
OC2H5। क्या जोड़ना है? ये पार्ट हमको जोड़ना है ICH CH3 CH I CH3। यहाँ से NaI निकाल देंगे, NaI निकाल देंगे,